Good morning, students. Welcome back to my online classes. This is Chetna, your computer teacher, and this is my part 12 for class 8. So, student, yesterday we learned about switch, and today we are going to learn about network cables. Cables means jo wire apan use karte hain, uske baare mein aaj apan padhenge. So first of all, I would like to tell you that wires are used to connect two computers. मतलब अगर कोई computer को कोई भी दो computers को आपस में connect करना है या कोई भी devices को अपन को computer से connect करना है तो उसका अपन उसमें cable network cable का use करते हैं. ठीक है, तो ये जो केबल का यूज़ होता है मोस्टली वायर्ड कम्युनिकेशन में ही होता है. ठीक है, वायरलेस में तो वायर का यूज़ ही नहीं होता है, तो केबल का वायरलेस कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है. नेटवर्क केबल का यूज़ सिर्फ और सिर्फ वायर्ड कम्युनिकेशन के लिए होता है. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि मैं आपको बता रही थी कि नेटवर्क केबल्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. नेटवर्क केबल्स होते हैं अपने थ्री टाइप्स के होते हैं, जो कि होता है फर्स्ट ट्विस्टेड केबल ट्विस्टेड पेयर, सेकंड होता है अपना कोएक्सियल, और थर्ड होता है अपना फाइबर ऑप्टिक. तो ट्विस्टेड केबल क्या होता है? ट्विस्टेड केबल पेयर जो रहता है वो हमेशा ऐसे वायर होते हैं जिसमें दो वायरों की पेयरिंग होती है जो कि आपस में ट्विस्ट होते हैं. ट्विस्ट मतलब एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं. तो ये जो वायर होते हैं, ये इस टाइप के जो वायर होते हैं जो एक दूसरे से ट्विस्ट होते हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं. इनका यूज़ नहीं होता है कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, जस्ट बिकॉज़ कि इसमें क्या होता है, इस टाइप के केबल वायर में सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं. सिग्नल्स का बीच में ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनका यूज़ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं करते हैं. नेक्स्ट होता है अपना कोएक्सियल. कोएक्सियल जो रहता है वो शील्डेड टाइप का पेयर, मतलब शील्डेड केबल वायर होता है. उसके ऊपर पहले ब्लैक कलर का जो मटेरियल रहता है उसकी कोटिंग रहती है, फिर उसके अंदर दो तीन कोटिंग और रहती है, फिर मेन कॉपर वायर रहता है एक, जो कि तीन चार लेयर से कवर्ड रहता है, और उसी कॉपर वायर के थ्रू ही सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है. नेक्स्ट आते हैं अपन अपने फाइबर ऑप्टिक केबल पे. तो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है वो लाइट बीम का यूज़ करता है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए. सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसमिट होता है तो वो लाइट बीम का यूज़ करता है, मतलब ग्लास के अंदर. ठीक है, जो वायर रहता है ग्लास कंपोनेंट ग्लास मटेरियल के अंदर एलईडीज लगे रहते हैं, और जब जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो एलईडीज लाइट जलते हैं. इट मींस सिग्नल प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है. अगर एलईडीज लाइट नहीं जल पाते हैं तो इट मींस आपका सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है. ये होते हैं अपने थ्री टाइप्स के केबल वायर. ओके स्टूडेंट, सो आज के लिए इतना काफ़ी है. कल मिलते हैं अपन न्यू टॉपिक के साथ, जो कि रहेगा अपना टोपोलॉजी. So till then, stay at home, stay healthy, stay safe.